Hello ji, namaskar, salam, sasrikal. Wish you all a very warm welcome to this wonderful session of Unacademy NEET Live Daily. Unacademy, aapka apna channel, Unacademy, Bharat ka apna educational channel. Chale ji, so aaj hum kya karne wale hain, all my Raja Beta and Raja Betiya, we are going to have a quick revision of the first chapter of genetics, that is principles of inheritance and variation. Genetics बहुत बड़ा unit है, बहुत सारे lectures हो चुके हैं उस पे, और आप भी समझ सकते हैं कि actual exam से पहले अगर आपको quickly revise करना हो, तो इतने सारे lectures देख पाना आपके लिए time थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. So बच्चों की special demand पे हम लोग फिर इस चीज का जो है क्विक रिवीजन राउंड लेकर के आए हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर को सिर्फ 3 रिवीजन राउंड्स में कंप्लीट कर दिया जाएगा. और इसी तरह का रिवीजन राउंड हम रखेंगे सेकंड चैप्टर के लिए भी, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. राइट जी, आगे बढ़ते हैं. सो मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद मोर देन 20 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, और लाखों बच्चे जो है आज पढ़ के अपने मुकाम पे हैं, बहुत अच्छे रैंक्स भी प्रोड्यूस किए हैं जी इंशाल्लाह अपने इस करियर में. ऑल इंडिया रैंक 1 एम्स, ऑल इंडिया रैंक 1 एपीएमटी एंड ऑल इंडिया रैंक 1 डीपीएमटी. इंडिया की बेहतरीन टीम से मिली है, आपके ऑल टाइम फेवरेट नमो कॉल सर, आपके ऑल टाइम फेवरेट महेंद्र बाहुबली सर एंड द मैजिशियन ऑफ केमिस्ट्री अश्विनी त्यागी सर. टेलीग्राम का ये ऐप सॉरी जरूरी है आपके लिए बेटा कि सो सॉरी, टेलीग्राम का ये ऐप आपके सेलफोन में हो. ये ऐप जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो फोन पे आपको ये कुछ इस प्रकार से नजर आएगा. राइट उसके बाद आपको क्या करना है, फोन के ब्राउजर में जैसे क्रोम में जाकर के tinyurl.com/neetlivechat टाइप कीजिएगा. ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन हो जाएंगे. टेलीग्राम के जरिए ही हम आप तक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स, नोट्स, पीडीएफ्स सब वहीं पे शेयर होते हैं. तो इसलिए जरूरी है कि ये ऐप आपके सेलफोन में हो. एक और बहुत बेहतरीन फीचर जो अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है, दैट इज नीट मोबाइल. अब ये नीट मोबाइल क्या है, आपको सिंपली अपने फोन के ब्राउजर में टाइप करना है tinyurl.com/neetmobile और आपके सामने इस तरह का एक पेज खुल जाएगा. जैसा कि आप इसमें मेरी तस्वीर देख पा रहे हैं, इसी तरह से आपको बाकी फैकल्टी मेंबर्स के भी लेक्चर्स यहां पे मिलेंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के क्लास 12th के. राइट यहां पे हर लेक्चर के लिए डायरेक्टली प्ले का एक बटन दिया हुआ है, आप टच करेंगे सीधा उस लेक्चर पे पहुंच जाएंगे और पीडीएफ नोट्स भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे. तो है ना ये एक आसान बात. ओके चलिए, प्लस का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो हर मायने में प्लस है, जो हर मायने में बेहतर है, इसे जरूर एक्सप्लोर कीजिए. यहाँ पे लाइव प्लस क्लासेस हैं, क्विजेज हैं, टेस्ट सीरीज है, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, मोर पर्सनलाइज्ड अटेंशन है आपके लिए. प्लस पे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि क्रैश कोर्स इन बायोलॉजी, क्रैश कोर्स इन केमिस्ट्री, क्रैश कोर्स इन फिजिक्स, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो नीट 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं. इसके अलावा ईयर लॉन्ग कोर्सेज भी हैं, जैसे हम नीट 2021 के लिए 3 फरवरी से आपके लिए कोर्स शुरू कर रहे हैं, जो बच्चे अभी 11th से क्लास 12th में आएंगे. तो एक साल का कंप्लीट कोर्स है जिसमें मैं पढ़ाऊंगा, अश्विनी त्यागी सर हैं, महेंद्र सर हैं. सो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. और प्रोसीजर क्या है कोर्स ज्वाइन करने का, बिल्कुल सिंपल, Unacademy का लर्निंग ऐप जो है वो आपके सेलफोन में होना जरूरी है. Unacademy का लर्निंग ऐप जब आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं, वो ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको प्लस के सेक्शन में जाना होता है, देन नीट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, देन गेट सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन जो लोग नीट 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको 3 महीने का क्रैश कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है. राइट लेकिन जो बच्चे नीट 2021 के लिए कर रहे हैं उनको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना होगा. सब्सक्रिप्शन तो आप जल्द से जल्द ले लीजिए. राइट कोर्स हम 3 फरवरी से शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी आप हमसे प्लस के प्लेटफॉर्म पे पर्सनलाइज्ड गाइडेंस ले सकते हैं. क्लास 11th के कोई टॉपिक्स आपने रिवाइज करने हैं, कोई डाउट्स है आपको, वो सब आप क्लियर कर सकते हैं. बस ध्यान रखिएगा, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो जो कोड आपको यूज करना है, दैट इज सचिन लाइव. सपने सच करने हैं तो सचिन के साथ जुड़ जाइए, सचिन लाइव. ये कोड इस्तेमाल करने के बाद आप सभी टीचर्स के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, मेरे लेक्चर्स, अश्विनी सर के, महेंद्र सर के, और इसके अलावा और बहुत बेहतरीन एजुकेटर्स हैं थ्रू आउट इंडिया से इस प्लस के प्लेटफॉर्म पे. राइट अलग अलग टाइमिंग्स पे अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, आपका जो भी टाइम सूटेबल होता है आप उसमें वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स भी दिए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में. राइट मेरे बेटा, सो कोड यूज करना मत भूलिएगा. कोड क्या है, सचिन लाइव. 10% आपको फीस में भी डिस्काउंट मिलेगा और उसके अलावा अपने बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का बेहतरीन मौका.
चलिए जी, सो बढ़ते हैं हम आगे, डिस्कस करने जा रहे हैं जेनेटिक्स का क्विक रिवीजन, राइट? जितना हम मैक्सिमम डिस्कस कर पाएं आज के इस लेक्चर में वो हम कोशिश करेंगे, ठीक है जी? सो आपके प्यारे प्यारे लाइक्स और आपकी प्यारी प्यारी गुड विशेस के साथ आगे बढ़ते हैं। सुनिए जी, आज का कोटेशन क्या है, बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर। चिंता नहीं करिए, लड़ाई करिए, वैरियर बनिए, किसी भी मुसीबत से लड़ने की हिम्मत रखिए, शक्ति रखिए। नॉट ओनली मुसीबत, इवन अपने मकसद को पाने के लिए अगर आपको विशेष एफर्ट करने पड़ रहे हैं तो आप उसे घबराइए मत, वरी नहीं करिए, राइट? समझ गए? देखो छोटा सा डिफरेंस है दोनों के स्पेलिंग में, लेकिन कितना बड़ा अंतर आ जाता है जब उनके मीनिंग की बात करें, राइट जी? सो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं आपकी ये चिर परिचित स्लाइड्स जो आपको एक टाइम पे बहुत पसंद आई थी, दैट इज जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। मैंडलिज्म की उसी दुनिया में हम फिर से एक बार चलेंगे और जल्दी से एक क्विक रिविजन राउंड लेते हैं। सो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हमारा चैप्टर है जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं क्विक रिविजन से। जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। सो जेनेटिक्स में हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। दोनों में अंतर क्या है? हेरिडिटी होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, राइट? एंड वेरिएशंस क्या है? वेरिएशंस आर स्मॉल जेनेटिक डिफरेंसेस विच आर फाउंड अमंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज। जो सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं उनमें आपस में जो आपको डिफरेंसेस दिखाई देते हैं वो वेरिएशंस हैं। द टर्म जेनेटिक्स वॉज गिवन बाय विलियम बैटरसन, ये याद रख लीजिएगा एक, है ना? In 1906, he derived it from the Greek word genesis. Genesis का मतलब है to grow or to become. Inheritance क्या है? Process by which characters or traits are passed from one generation to another. Variations मैंने बता दिया, degree of differences. Term variation is also used for single difference in a trait. वहां भी कह देते हैं हम। Now ध्यान रखना, variation होना क्यों जरूरी है? Variations होना इसलिए जरूरी है, variations provide raw material for evolution. वैरायटी होगी किसी पॉपुलेशन में तो इवोल्यूशन होगा, और अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन जो है वो क्या होता है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज म्यूटेशन। यहां पे आप डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी देख पा रहे हैं, देख रहे हैं दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स किस तरह से आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। नाउ बहुत पुराने समय से ही इंसान की हमेशा से ये जिज्ञासा रही है कि किस तरह से पेरेंट्स से कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं। इसको लेकर के अलग अलग तरह की धारणाएं बनी, अलग अलग तरह के कंसेप्ट्स और थ्योरीज दी गई। सो ये प्री मेंडेलियन आइडियाज हैं बेटा जी, याद रखिएगा, मेंडल से पहले के प्री मेंडेलियन आइडियाज अबाउट इनहेरिटेंस। इनको थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमने इन थ्योरीज की, बस थ्योरी का नाम और एटलीस्ट जिस वैज्ञानिक ने, जिस साइंटिस्ट ने, जिस फिलोसोफर ने वो थ्योरी दी है आपको उसका नाम याद रखना है। मॉइस्ट वेपर थ्योरी पाइथागोरस, इनका ये मानना था कि मेल बॉडी फीमेल बॉडी से कुछ खास तरह के मॉइस्ट वेपर्स होते हैं जो अगली जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं, कंप्लीटली डिस्कार्डेड। फ्लूइड थ्योरी एरिस्टोटल ने दी थी कि मेल का सेमिनल फ्लूइड है और फीमेल का मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो होता है वो फीमेल सीमेन है, ये मिल करके एक नई जनरेशन बनाते हैं। प्री फॉर्मेशन थ्योरी जॉन स्विमर्डम की दी हुई है जिसमें उनका मानना था कि स्पर्म के अंदर ही एक मिनिएचर फॉर्म में इंडिविजुअल प्रेजेंट होता है जो फीमेल के वोम्ब में जाकर के अगली जनरेशन बनाता है। मोपर्चियस की दी हुई पार्टिकुलेट थ्योरी, थ्योरी ऑफ पैन जेनेसिस दी थी डार्विन ने, ये भी थ्योरी कंप्लीटली डिस्कार्डेड है। थ्योरी ऑफ पैन जेनेसिस में डार्विन ने यह कहा था दैट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस अ स्मॉल फैक्टर विच इज कॉल्ड पैन जीन और गैम्यूल। इट इज रिलीज्ड इनटू ब्लड एंड थ्रू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इट इज पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जेनरेशन। विस्मैन ने जब एक्सपेरिमेंट किया था चूहों पे, आपको याद होगा ऑगस्ट विस्मैन, ही गेव थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। चूहों की पूंछ काटी उन्होंने, मेल फीमेल रैट की आपस में ब्रीड कराया, अगली जनरेशन में जो चूहे आए उनकी पूंछ काट दी, उनको ब्रीड कराया, फिर अगली जनरेशन के चूहे पैदा हुए उनकी पूंछ काट दी, कई जनरेशन तक उन्होंने ऐसा करा था। तो विस्मैन ने डार्विन की इस थ्योरी को जो है वो कंप्लीटली फिर डिस्कार्ड कर दिया था कि अगली जनरेशन में कैरेक्टर्स जर्मप्लाज्म के थ्रू जाते हैं, सोमेटोप्लाज्म के थ्रू नहीं जाते। थ्योरी ऑफ
कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म जो कि ऑगस्ट विस्मन की दी हुई है। सो राजा बेटा आप यहाँ पे सिर्फ ये नाम याद रख लीजिएगा थ्योरी का, और जिस भी वैज्ञानिक से वो रिलेटेड है उसका नाम याद रख लेना। डिटेल्स आपको अगर रखनी हो याद तो ये जो दो थ्योरीज हैं ये ध्यान रख लेना। ये मैंने आपको बता भी दिया, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस एंड थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। बड़े आगे चले जी, जिक्र करते हैं ग्रेगोर जॉन मेंडल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा जिनका की जेनेटिक्स में। ही ग्रू अप ऑन अ फार्म इन हांसेस विच वॉज फॉर्मली हजनडॉर्फ विच वॉज देन अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। पहले ये जगह ऑस्ट्रिया का हिस्सा हुआ करती थी एंड नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ चेक रिपब्लिक। As a young boy, he worked with his father grafting trees to improve the family orchard. उनका बचपन जो है वो थोड़ा सा इस किस्म से बीता कि अपने पिता के साथ उन्होंने खेती बाड़ी, जानवरों के रख रखाव के बारे में बहुत सारी बातें जो है बचपन से ही सीखी। तो एक natural inclination था उनका इस तरफ plant breeding में, animal breeding में। Rural upbringing taught him plant and animal husbandry and this inspired his interest in all these things. फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगोर जॉन मेंडल। मॉडर्न जो जेनेटिक्स है उसकी शुरुआत जो है वो कैसे हुई, किस तरह से धीरे 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 ये ट्रांजिशन होता गया वो सब हम समझेंगे आगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि ये जान लें कि मेंडल ने जिस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करा, पी प्लांट पे, किस तरह से वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए गए, क्या प्रोसीजर था और क्यों चुनाव किया गया केवल पायसम सेटाइवम का ही और क्या फायदे रहे उस बात के। सो मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, पौधा आपके सामने बना है जी मटर का। मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी और द एडिबल पी दैट इज पायसम सेटाइवम, क्रोमोसोम नंबर 2N = 14, मटर का पौधा देख सकते हैं आप जी। अब हम देखेंगे कि क्यों, खास वजह क्या रही इस प्लांट का चुनाव करने की और क्या फायदे रहे होंगे इस बात के, देखते हैं जी। Advantages of selecting pea plant. What were the advantages? फायदे क्या थे? देखिए, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का चुनाव करते हैं आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। वो ये कि आपका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो है लिविंग है या whatever, उसको हैंडल करने में आसानी हो। अगर आप किसी भी एनिमल पे काम कर रहे हैं तो उसमें ऐसा तो नहीं आप बहुत लार्ज साइज एनिमल लेंगे या बहुत डेंजरस एनिमल लेंगे। ऑब्वियसली आप ऐसा जानवर चुनेंगे जिसको आप लेबोरेटरी में आसानी से रख भी पाए। सेम अप्लाइज टू द प्लांट्स ऑल्सो, जिसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होना चाहिए, जिसमें कंट्रोल्ड ब्रीडिंग कराई जा सके। सो उन्होंने पी प्लांट जो चुना, क्या फायदे रहे इस बात के, शॉर्ट लाइफ स्पैन, ईजी ग्रोथ एंड मिनिमम आफ्टर केयर, रख रखाव भी तो एक जरूरी बात हो जाती है ना। एबिलिटी ऑफ प्योर वेराइटीज, पी प्लांट में उन्हें प्योर वेराइटीज मिल रही थी। प्योर वेराइटी का मतलब क्या है, जो प्योर ब्रीड करे। अगर टॉल प्लांट है कोई, उसे बार बार सेल्फ फर्टिलाइज कराने पे अगली जनरेशन हर बार टॉल 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 ही मिलती रहे, दैट मीन्स इट्स अ प्योर प्लांट, इट इज प्योर फॉर दैट कैरेक्टर। ईजिली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, easily detectable, मतलब अगर आप हाइट की बात कर रहे हैं प्लांट की तो आपको टॉल प्लांट भी मिल रहे हैं और ड्वार्फ भी मिल रहे हैं और कॉन्ट्रास्ट है और इजिली डिटेक्टेबल है, राइट। पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, ये भी जरूरी था कि भाई उन प्लांट्स को कंट्रोल्ड तरीके से ब्रीड कराया जा सके। अगर फ्लावर जो है उसमें मेल फीमेल पार्ट्स दोनों हैं तो जिन फ्लावर्स को आप चाहते हो कि मेल की तरह बिहेव करें उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको हटाना पड़ेगा। द सेम गोज फॉर द ऑपोजिट। सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाती है, F1 हाइब्रिड्स फर्टाइल हों, ये भी जरूरी है कि जो अगली जनरेशन आ रही जैसे आप हाइब्रिड कह रहे हैं वो फर्टाइल होना चाहिए। एनिमल्स के केस में आपने पढ़ा है कि जनरली नेचर में हाइब्रिड फर्टाइल जो है वो फर्टाइल नहीं होते, कुछ एक एक्सेप्शन जरूर है, टाइगर एंड लाइगॉन वगैरह आपने पढ़े होंगे, राइट। नाउ इसके केस में जो F1 हाइब्रिड था वो फर्टाइल है। आगे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो है स्टडी किए थे मेंडल ने कौन कौन से, देखते हैं जी, 7, राइट, और वो कौन कौन से हैं। स्टेम का हाइट, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, पॉड का शेप, पॉड का कलर, सीड का शेप एंड सीड का कलर, ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो है वो स्टडी किए गए। जब आप कॉन्ट्रास्टिंग की बात करते हैं इसका मतलब है अगर आप हाइट की बात कर रहे हैं तो टॉल प्लांट भी अवेलेबल और ड्वार्फ भी अवेलेबल है। किस क्रोमोसोम नंबर पर ये कैरेक्टर प्रेजेंट है ये भी लिखा हुआ है, अगर आप याद रख सकें तो वेल एंड गुड। देखिए ज्यादातर आपको 4-4-4 क्रोमोसोम नंबर 4 पे मिल रहे हैं। नाउ फ्लावर कलर की बात करें तो वायलेट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल एंड टर्मिनल, पॉड का शेप, पॉड समझते हैं फलियां जो होती हैं मटर की, इन्फ्लेटेड है एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ग्रीन कलर का पॉड है और येलो कलर का भी है, सीड का शेप राउंड है एंड रिंकल्ड है,
सिमिलरली सीड का कलर येलो एंड ग्रीन है. ये टेबल तो आपको अच्छे से याद होनी ही चाहिए, राइट. इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि कोई भी एक अपना मनगढ़ंत कैरेक्टर डाल दिया कि इनमें से वो कौन सा कैरेक्टर है जो मेंडल ने स्टडी नहीं करा था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी. सेम आपको ये पिक्टोग्राफिकली दिखाया गया है, इमेजेस लगाई गई हैं यहाँ पे कि अगर प्लांट की हाइट की बात कर रहे हैं तो टॉल प्लांट्स भी हैं और ड्वार्फ भी हैं. फ्लावर के कलर में पर्पल भी है, वाइट भी है. फ्लावर का पोजीशन एक्सियल है, फ्लावर का पोजीशन टर्मिनल है. सीड की बात करें येलो है एंड ग्रीन है, कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं. सीड का शेप राउंड वाले हैं और ये देखिए रिंकल्ड वाले हैं. पॉड का कलर ग्रीन भी है, येलो भी है. पॉड का शेप स्मूथ है एंड पॉड इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्टेड वाले भी होते हैं. सेवन कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल और जिसमें उसको आपने उसके ट्रेट भी देख लिए, वेरियंट्स भी देख लिए. एक्सपेरिमेंट्स में स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व थे. एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले जरूरी था सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट. प्योर पेरेंट प्लांट वो है बच्चे जो हर बार प्योर ब्रीड करेगा. सपोज टॉल प्लांट की बात कर रहे हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी. इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने पे आपको टॉल प्लांट ही मिलेंगे और हर बार टॉल प्लांट मिलेंगे. द सेम गोज फॉर द ड्वार्फ. इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते जाएंगे तो हर बार ड्वार्फ वेराइटी मिलनी चाहिए. इसको हम बोल देंगे कि प्योर प्लांट है. सो पहला स्टेप था सिलेक्शन ऑफ द प्योर पेरेंट प्लांट, राइट. सेकेंड स्टेप क्या था, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट्स फॉर द F1 जनरेशन. जैसे ये प्योर पेरेंट प्लांट्स हैं, प्योर हो गए स्ट्रेट के लिए, इनको आपस में फर्टिलाइज करा करके नेक्स्ट जनरेशन F1 हाइब्रिड ऑब्टेन करना. जैसे मान लीजिए कैपिटल टी इसका क्रॉस हमने करा दिया स्मॉल टी के साथ, तो हमको F1 हाइब्रिड ऐसा मिल गया जिसका जीनोटाइप ये होगा, राइट, हेट्रोजाइगस. लेकिन फीनोटिपिकली जो है ये भी टॉल होगा, राइट. दिस इज F1. सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट्स फॉर F1 जनरेशन. थर्ड, सेल्फ ब्रीडिंग इन हाइब्रिड प्लांट्स फॉर F2 एंड F3 जनरेशन. अब इस हाइब्रिड का सेल्फ ब्रीडिंग मतलब ये जो TT का जिक्र कर रहे हैं हम, TT के साथ ही कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको टॉल भी मिल रहे हैं और एक ड्वार्फ भी मिल रहा है. 3:1 का रेशो आ जाएगा फीनोटिपिकली. जीनोटिपिकली वो क्या है अभी आगे देखते हैं. 1:2:1. चले जी, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट. शुरुआत जब उन्होंने करी थी तो 34 वेराइटीज अलग अलग ली थी. ही सिलेक्टेड 34 वेराइटीज एंड अलाउड देम टू सेल्फ ब्रीड. The number was later on reduced to 22 varieties. फिर finally उन्होंने he selected 7 pairs of pure or the true breeding varieties. बहुत ज़्यादा number में भी अगर आप लेकर के चलेंगे experimental material तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए record maintain करना. Hybridization of pure plants for the F1 generation, first filial generation. Crossing or the mating of two varieties of plants or animals is known as hybridization. ये in general hybridization word को define किया गया है. Plants with contrasting traits were cross-pollinated. 50% flowers of the same plant were made to function as female parent and the remaining 50 were made to function as the male parent. Limited, अच्छा चलिए अब देखते हैं कि मेंडल ने ये जो एक्सपेरिमेंट्स करे हैं F1 जेनरेशन फिर F2 जेनरेशन, आप चाहे तो मैं क्रॉस करके बता भी देता हूं, फिर देखेंगे कि क्या कारण रहे, रीजंस क्या रहे थे नॉन रिकॉग्निशन के लिए कि उनके जीवित रहते उनको उतनी ख्याति प्राप्त नहीं हो पाई. एक बार फिर से क्विकली रिवाइज करा देता हूं. सबसे पहले तो प्योर वेराइटीज ऑब्टेन करी गई, ठीक है जी, इनका क्रॉस करा के F1 जेनरेशन. दिस इज पेरेंटल जेनरेशन, पेरेंट लिख दिया हमने. दिस इज F1, फिर F1 के बाद F2, उसमें क्या है जी, TT कैपिटल टी स्मॉल टी और हमने इनका क्रॉस दिखाया आपस में. अब हमें यहां पे क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे. You will get capital T, right? Capital T, small t, then capital T, small t, and then small t, small t, right? Tall plant, dwarf plant. ये जो दोनों दिख रहे हैं बीच में capital T, small t, ये भी tall है phenotypically, लेकिन इनका genotype heterozygous है. इसीलिए हम phenotypic ratio तो 3:1 कहते हैं, genotype के आधार के 1:2:1. So ये F2 generation था बेटा. आगे F3 तक भी उन्होंने experiment करे.
नाउ इन एक्सपेरिमेंट्स पे क्या नतीजे निकले थे, क्या लॉज बने हैं, वो भी बाद पे आते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं. पहले जानते हैं कि क्या कारण रहे रीजंस फॉर नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क. मेंडल ने जब अपना ये रिसर्च, ये बातें साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने रखी गई तो बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त नहीं हो पाई उनको उस चीज की. उसकी क्या क्या वजहें थी. सबसे पहला, देयर वॉज लिमिटेड सर्कुलेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रुन नेचुरल साइंस सोसाइटी, जिस जनरल में उन्होंने अपने रिसर्च पेपर्स जो है वो पब्लिश करे थे, उसका सर्कुलेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं था. देखिए उस जमाने में कोई आज की तरह पे इंटरनेट या कोई ऐसी व्हाट्सएप सुविधा तो थी नहीं कि आपने कुछ रिसर्च करा और उसको वायरल कर दिया, पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया, ये तो संभव नहीं था. राइट, ही फेल्ड टू रिप्रोड्यूस द रिजल्ट्स ऑन हॉकवीड अंडरटेकन अंडर द सजेशन ऑफ नेगेली. नेगेली भी वैज्ञानिक थे उस समय के जाने माने. उनको जब डार्विन ने मेंडल ने अपना रिसर्च दिखाया, सो मेंडल ने कहा कि दिस इज व्हाट माय रिसर्च इज. नेगेली सजेस्टेड हिम कि अब आप इस चीज को मुझे डुप्लीकेट करके दिखाइए अपने रिसर्च को हॉकवीड पे, लेकिन ही फ्लॉप्ड, वो संभव नहीं हो पाया. व्हाई, इट वाज ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर लाइंस. उसको उन प्लांट्स में उनको वो प्योर वैराइटीज नहीं मिल पाई. लैक ऑफ एग्रेसिवनेस इन हिज पर्सनैलिटी. हर इंसान की आवाज उतनी बुलंद हो, उतना दबदबा हो उसकी शख्सियत में, ये जरूरी नहीं होता है ना. सो इसी तरह से मेंडल के साथ भी कुछ ऐसा था कि लैक ऑफ एग्रेसिवनेस इन हिज पर्सनैलिटी, कि वो दूसरों को इतनी आसानी से कन्विंस नहीं कर पा रहे थे अपनी बात से. साइंटिफिक वर्ल्ड वॉज बींग रॉक्ड एट दैट टाइम बाई डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी. किसमें? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो थी इन द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. ये किताब जब 1859 में पब्लिश हुई तो पूरी दुनिया का ध्यान जो है इन उन्हीं की तरफ था, बिकॉज डार्विन ने उसमें इतनी सेंसेशनल बातें कही थी उस जमाने के हिसाब से, दैट ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज, दे हैव डेवलप्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. काफ़ी आलोचना हुई थी उनकी इस किताब की. सो पूरी दुनिया को एक तरह से उन्होंने हिला के रख दिया था, साइंटिफिक कम्युनिटी को, अपनी इस पुस्तक के द्वारा, अपनी उस थ्योरी के द्वारा. तो ध्यान जो है वो ज़्यादा उधर बट चुका था, मेंडल की तरफ ध्यान इतना ज़्यादा नहीं था. मेंडल्स कंसेप्ट ऑफ स्टेबल अनब्लेंडिंग डिस्क्रीट यूनिट्स और फैक्टर्स फॉर वेरियस ट्रेड्स डिड नॉट फाइंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कंटेम्परेरीज. उस समय के जो वैज्ञानिक थे वो इस बात से कन्विंस नहीं हो पाए थे कि भाई आप जो कह रहे हैं कि कोई डिस्क्रीट यूनिट है, कोई फैक्टर है जो अगली जनरेशन में जाता है, क्या है वो फैक्टर. अब तो हम जानते हैं ना कि वो फैक्टर एक्चुअली जीन्स हैं, और जीन्स क्या हैं, हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए. लेकिन उस समय आने में ये सब चीज़ें इतनी एडवांस नहीं थी और ये सब पता नहीं था. सो वो जो अनब्लेंडिंग डिस्क्रीट यूनिट की बात कर रहे थे ना, वो समझा नहीं पाए वो. मेंडल्स कंक्लूजन्स अबाउट हेरिडिटी वर अहेड ऑफ हिज टाइम. जो बातें उन्होंने उस समय कह दी थी वो उस समय के अनुसार बहुत आगे की थी. इतने लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स, ये सब चीज़ें जो उन्होंने लगाई थी, बायोलॉजिस्ट जो थे वो इन चीज़ों को इतना तवज्जो नहीं देते थे. ही यूज्ड स्टेटिस्टिकल मैथड्स, मैथमेटिकल लॉजिक विच वर अनफेमिलियर टू द बायोलॉजिस्ट एट दैट टाइम. उस समय के वैज्ञानिकों के लिए वो बातें उतनी जो है मायना नहीं रख रही थी. देर वॉज नो फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स. जो फैक्टर का वो जिक्र कर रहे थे उसका कोई फिजिकल प्रूफ वो नहीं दे पाए थे. ठीक है जी. सो मेंडल को अपने जीवन काल में, अपने जीते जी, उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई. दुर्भाग्य वाली बात कही जा सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम वी कैन से दैट अच्छी बात रही कि बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने उनकी कही हुई उन बातों को दोबारा से खोज निकाला और उन्हें ख्याति प्राप्त हुई. वो कौन थे देखते हैं. रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क. इट वॉज इन 1900 थ्री साइंटिस्ट्स इंडिपेंडेंटली rediscovered the principles of heredity already worked out by Mendel. और वो जाने माने वैज्ञानिक थे ह्यूगो डीवरीज ऑफ हॉलैंड, कार्ल कॉरन्स ऑफ जर्मनी एंड एरिक वॉन शिमाक ऑफ ऑस्ट्रिया. सो ये तीनों नाम आप याद रखिएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन फॉर नीट. तीन वैज्ञानिकों के नाम. ह्यूगो डीवरीज का नाम आपने म्यूटेशन थ्योरी में भी पढ़ा है. ओइनोथेरा लमाकियाना प्लांट पे उन्होंने काम करा था और म्यूटेशन थ्योरी दी थी. ठीक है राजा बेटा. चलिए अब हम जिक्र करते हैं उन क्रॉसेस का. मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है. सिंपल सी बातें हैं, क्विकली समझ लेते हैं.
across between two parents that differ in only one heritable character is called monohybrid cross, and the resulting hybrid is called monohybrid. Simple. Do parents हमने लिए हैं. This is the pure tall female ले लिया, pure dwarf male ले लिया. अब ये जरूरी नहीं है कि male वाले कोई dwarf लेना है. भाई आप reciprocal भी कर सकते हैं. Mendel ने भी करके देखा. जैसे यहाँ पे female pure tall है, तो एक experiment में male भी pure tall रखा और female को pure dwarf रखा. That is called reciprocal cross. तब भी result same मिलते थे. So next generation में मिला a tall hybrid. ठीक है, जैसे मैंने कहा प्योर टॉल कैपिटल टी प्योर ड्वार्फ कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. टॉल हाइब्रिड जो है एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इसका सेल्फ ब्रीडिंग कराया गया. अगली जेनरेशन में हमें टॉल प्लांट्स मिले और ड्वार्फ प्लांट्स मिले इन द रेशियो ऑफ 3:1, राइट जी. इनका जब फिर आगे F3 जेनरेशन के लिए सेल ब्रीडिंग कराएंगे, पहले तो इनका जीनोटाइप देख लें. भाई हमने करा क्या, या मेंडल ने यहां पे क्या करा है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी. द रिजल्ट यू आर गेटिंग इज कैपिटल टी टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस एंड स्मॉल टी राइट. फिनोटिपिकली देखने में टॉल टॉल टॉल, इसलिए 3:1 का रेशो. ये तीन प्लांट नहीं है, ये रेशो की बात हो रही है. ये मत सोचना कि तीन पौधे बड़े वाले बने थे, एक पौधा छोटा बना था. रेशो कहा जा रहा है, नंबर ऑफ प्लांट्स नहीं बताया गया आपको. F3 जेनरेशन में फर्दर क्या करना है जी, आगे इनका भी सेल्फ ब्रीडिंग. टॉल वाले जो है वो तो टॉल ही प्रोड्यूस करेंगे राइट, जो होमोजाइगस टॉल है. होमोजाइगस जो ड्वार्फ है वो ड्वार्फ ही प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये वाला जो हेट्रोजाइगस सिचुएशन है वो यही तो हो जाएगी. इस कैपिटल टी स्मॉल टी को जब फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी से करेंगे, सो अगेन 3:1 3:1 सिंपल राइट. सो दिस इज व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें सिंपल एक कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने ये क्रॉस करा है. आई होप यहां तक आपको चीजें समझ आ रही हैं, एकदम सिंपल है और रिवाइज भी हो रहा है. बहुत से बच्चे आपके आप में से ऐसे हैं जो प्लस की क्लासेस पे भी आजकल जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं मुझसे, और उनका तो और भी अच्छे से रिवाइज हो रहा होगा. सो आपके प्यारे प्यारे लाइक्स जो है वो साथ में आते रहने चाहिए. लेक्चर अपलोड होने के बाद आप अपने कमेंट्स भी जरूर दीजिएगा कि आपको रिविजन राउंड किस तरह से लगे, और कुछ अलग से आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी जरूर बताइएगा. रेसिप्रोकल क्रॉस, थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था ना, रेसिप्रोकल क्रॉस, अ सेकंड क्रॉस ऑफ द सेम जीनोटाइप इन विच सेक्सेस ऑफ द पेरेंटल जेनरेशन आर रिवर्स्ड. जैसा मैंने पीछे बताया था आपको, यहां पे प्योर टॉल फीमेल लिया प्योर ड्वार्फ मेल लिया, एक ऐसा भी क्रॉस कर लो जिसमें प्योर टॉल मेल और प्योर ड्वार्फ फीमेल ले लो, वही चीज रिवर्स कर दी. ओरिजिनल क्रॉस में अगर मेल गैमेट कैपिटल टी फीमेल स्मॉल टी ले रहे हैं, सो रेसिप्रोकल क्रॉस में इसको उल्टा कर दो, रिजल्ट तब भी वही रहेगा, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्लियर है जी. हाँ जी बताइए जल्दी से, बढ़े आगे. डाईहाइब्रिड क्रॉस में सो देखते हैं जी, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है, मतलब यहां पे अब आप दो कैरेक्टर ले लीजिए. मेंडल ने राउंड रिंकल्ड येलो ग्रीन सीड्स को लेकर के करा. सो राउंड एंड येलो सीड वाले पौधे जो थे फीमेल प्लांट, उनको रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ क्रॉस कराया, डाईहाइब्रिड. अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद टू हेरिटेबल कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस. दो कैरेक्टर्स लेकर के चलना है इसमें. इन वन एक्सपेरिमेंट मेंडल कंसिडर्ड फॉर्म ऑफ सीड्स एंड कलर ऑफ सीड्स, राइट. और भी कैरेक्टर्स कई लिए जा सकते हैं इसमें. यहां पे हम ले रहे हैं कि जो पेरेंटल जेनरेशन है उसमें वो प्लांट्स हैं, द प्लांट्स विद राउंड येलो सीड्स, और आपको क्रॉस करना है द प्लांट विद रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स. अभी इनका जीनोटाइप भी देखेंगे कि मान लीजिए राउंड येलो को क्रॉस किया जा रहा है रिंकल्ड ग्रीन. जब आप राउंड येलो लिखेंगे जीनोटिपिकली कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई. रिंकल ग्रीन के लिए लिखेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई. जो नेक्स्ट जेनरेशन आई है बेटा, ऑल प्लांट्स आर विद राउंड एंड येलो सीड्स, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट. ये रहा जीनोटाइप. सेल्फिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा,
ये तो था F1 जेनरेशन, ये वाला। जब इनका सेल्फिंग करा, सेल्फिंग से क्या मतलब है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, क्रॉस किसके साथ करा गया है देखते हैं, सेम कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट जेनरेशन में जो नतीजा मिल रहा है हमें, वहां पे राउंड येलो सीड्स तो मिले ही हैं, रिंकल्ड ग्रीन भी मिले हैं, कुछ नई वैरायटी भी देखने को मिली। राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन के अलावा राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो भी, ये दोनों देखिए गौर कीजिए, नया मिल गया कुछ यहां पे। राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन तो हैं, राइट, उसके साथ साथ राउंड के साथ ग्रीन, रिंकल के साथ येलो का कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट नई वैरायटी। तो यहीं से पता चला कि जिन फैक्टर्स की बात करी जा रही है, इसका मतलब है वो अलग भी हो जाते हैं, वो सेग्रीगेट भी होते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट भी करते हैं, सेग्रीगेट भी होते हैं। इसी को लेकर के आगे के लॉज बनाए गए थे जो आगे हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है जी। सो F2 जेनरेशन में जब हम जीनोटाइप देखेंगे, दैट इज 9:3, ये जो फिनोटिपिकली सॉरी दिख रहा है डायहाइब्रिड रेशो, 9:3:3:1। रेशोज याद रखना, इन पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो डायहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर एक समय पे लेकर के चल रहे हैं, देखते हैं जी। ही क्रॉस्ड अ पी प्लांट हैविंग राउंड एंड येलो सीड्स विद अ पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। ऑल द प्लांट्स ऑफ F1 जेनरेशन हैड राउंड एंड येलो सीड्स, सजेस्टिंग दैट राउंड वॉज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। तभी तो जब हम कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख रहे हैं, इसका मतलब है द राउंड वन इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड वन एंड द येलो इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन वन। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट। प्लांट्स ऑफ F1 जेनरेशन ऑन सेल्फिंग प्रोड्यूस्ड 4 काइंड्स ऑफ प्लांट्स इन F2 जेनरेशन। फिनोटिपिक रेशो में आपने देखा राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। रेशो रहा 9:3:3:1। इनका जीनोटिपिक रेशो फर्दर जो है वो इस प्रकार से है, पनेट स्क्वायर बना करके आप इस चीज को खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। गैमेटिक कॉम्बिनेशंस बनाने आपने चार एक तरफ, जब आप उन्हें क्रॉस करके देखेंगे तो आपको ये अलग अलग वेरियंट्स दिख जाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो नए कॉम्बिनेशंस बने थे, न्यू कॉम्बिनेशन राउंड के साथ ग्रीन, पहले राउंड येलो था है ना और रिंकल्ड ग्रीन था, यहां पे राउंड के साथ ग्रीन जुड़ गया है एंड रिंकल्ड के साथ येलो जुड़ गया है। सो दीज आर द न्यू कॉम्बिनेशंस व्हिच हैव बीन ऑब्जर्व्ड व्हाइल परफॉर्मिंग दिस डायहाइब्रिड क्रॉस। टू न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेट्स, राउंड ग्रीन wrinkled yellow had appeared in a dihybrid cross. Clear है जी? Right? यहां तक मजा आया? अब देखते हैं क्या क्या कारण रहे हैं मेंडल की सफलता के, राइट। पी प्लांट का चुनाव उन्होंने कर लिया, क्यों चुना गया, उसके पीछे क्या क्या रीजन है वो भी हमने देखे कि भाई शॉर्ट लाइफ स्पैन है, रख रखाव उसका आसान है, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग पॉसिबल है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स अवेलेबल हैं, प्योर लाइन्स अवेलेबल हैं, इस कारण जो है पी प्लांट का चुनाव किया गया था। सफलता के कारण क्या रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ द पी, सबसे पहले उन्होंने शुरुआत करी प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज। प्लांट सिलेक्टेड वॉज आइडियल फॉर कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, ये भी बहुत अच्छी बात थी भाई, कोई इतना बड़ा पेड़ चुन लेते उस पर तो एक्सपेरिमेंट्स कर पाना, उसे उगा पाना, उसका रख रखाव कर पाना ही बहुत मुश्किल हो जाता। इट इज क्रॉस ब्रेड मैनुअली व्हाइल नॉर्मली इट अंडरगोस सेल्फ ब्रीडिंग, राइट। इसको एक्सपेरिमेंटली वो जिस तरीके से चाह रहे थे ब्रीड करा पा रहे थे, प्लांट्स का इमैस्कुलेशन कर सकते थे, उसके बाद उनको पॉलिथिन बैग से कवर करा, पॉलन से डस्ट करा, तो एक तरह से कंट्रोल ब्रीडिंग भी संभव थी। सिलेक्शन ऑफ दोज ट्रेट्स विच डिड नॉट शो लिंकेज, भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात रही, अगर लिंकेज होता कहीं ना कहीं बीच में तो जो नतीजे उन्हें मिल पा रहे थे वो नहीं मिल पाते, तो ये तो वाकई लकी थे वो इस मामले में कि इस तरह के कैरेक्टर्स का उन्होंने चुनाव नहीं कर लिया जहां पे कि लिंकेज हो जीन्स में। सो सिलेक्शन ऑफ दोज ट्रेट्स विच डिड नॉट शो लिंकेज इंटरेक्शन और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, भाई जैसे मेरा बिलिस जलापा में या इंटर हाइनम मेजस में हम पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अगर कुछ इस तरह का वो चुन लेते प्लांट तो फिर उन्हें वो रिजल्ट मिल ही नहीं पाते, जहां पे रेड और व्हाइट को क्रॉस करने से पिंक मिल जाता उन्हें,
तो वो तो गड़बड़ हो जाती है उस हिसाब से, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है. सो देर आर मेनी एक्सेप्शंस टू मेंडलिज्म ऑल्सो, वो हम देखेंगे आगे. सिलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्टिव कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लाइक टॉल एंड ड्वार्फ, ग्रीन एंड येलो, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का चुनाव करा, ये भी एक बढ़िया बात रही. ही सिलेक्टेड वन और टू करेक्टर्स एट टाइम, एक समय पे उन्होंने या तो एक करेक्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस लेकर के करा. अगर बहुत ज्यादा करेक्टर्स ले लें एक साथ, राइट, प्लांट की हाइट भी ले लें, पॉड का शेप भी ले लें, पॉड का कलर भी ले लें, राउंड सीड भी ले लें, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा डेटा मेंटेन करना. व्हाइल हिज प्रीडिसेसर्स दे ऑफन स्टडीड ऑल ट्रेड्स साइमल्टेनियसली, राइट, ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर फॉर थ्री और मोर जेनरेशंस, ही परफॉर्म्ड रेसिप्रोकल क्रॉसेस ऑल्सो एंड रेज्ड लार्ज प्रोजेनीज. इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे पेड़ पौधे उगा पाना, उनका रख रखाव कर पाना भी एक चैलेंजिंग टास्क था. कंप्लीट रिकॉर्ड रखा उन्होंने हर क्रॉस का, हर जेनरेशन में. ही केप्ट अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी क्रॉस, सब्सिक्वेंट सेल्फ ब्रीडिंग एंड द नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड तक भी. अ लार्ज सैम्पलिंग साइज गेव क्रेडिबिलिटी टू हिज रिजल्ट्स. ही यूज्ड स्टेटिस्टिकल मेथड्स, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एनालाइजिंग हिज रिजल्ट्स. मैंने कहा ना, अपने समय से वो आगे की बातें कर रहे थे, अपने समय से भी एडवांस्ड बातें वो कर रहे थे, जिस कारण से उस समय के लोग उनकी बातें समझ नहीं पाए. जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, लेकिन समय से बहुत आगे की बातें चल रही थी. क्लियर है जी? सो आपको रीजंस फॉर मेंडल्स सक्सेस समझ आए, अपने जीवन काल में उन्हें ख्याति प्राप्त क्यों नहीं हो पाई वो आप समझ पाए, पी प्लांट का ही चुनाव क्यों करा गया था वो आप समझ पाए, और फिर आपने देखा कि कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो थे उन्होंने स्टडी करे हैं, राइट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस. अब हम आगे बढ़ते हैं. मेंडल वॉज लकी इन सिलेक्टिंग दोज ट्रेट्स नाउ कॉल्ड जीन्स विच डिड नॉट इंटरैक्ट, कि भाई वो आपस में इंटरेक्शन नहीं दिखा रहे थे किसी किस्म का. दे वर ईदर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम्स, या तो कंप्लीटली अलग अलग क्रोमोजोम पे थे, या फिर दे शोड कंप्लीट रिकॉम्बिनेशन, राइट. ही डिड नॉट कंबाइन, ये इंपॉर्टेंट है, ही डिड नॉट कंबाइन पॉड शेप एंड प्लांट हाइट. मान लो वो एक क्रॉस ऐसा करते डाईहाइब्रिड क्रॉस जिसमें पॉड शेप एंड प्लांट हाइट ले लेते. इन एनी ऑफ हिज डाईहाइब्रिड क्रॉसेस द जीन्स ऑफ विच आर क्लोज टुगेदर ऑन क्रोमोसोम 4. तो यहां पे शायद उन्हें वो नतीजे नहीं मिल पाते जो उन्हें राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन वाले केस में मिले थे. तो भाई ये तो किस्मत की बात ही कही जा सकती है कि वो लकी रहे इस मामले में कि इस तरह का उन्होंने कोई कॉम्बिनेशन नहीं चुना, राइट. ठीक है जी, क्लियर है. प्यारे प्यारे लाइक्स आपके आते रहने चाहिए, साथ साथ वो एनर्जी का काम करते हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं उनके लिए, राइट. चलो देखते हैं आगे. मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, क्या क्या लॉज बन गए जी. बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमारे पास है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. बेस्ड ऑन डाईहाइब्रिड क्रॉस There is law of independent assortment. देखिए बड़ा beautifully ये slides design करेगी आपके लिए, because एक pictographic manner में जब आप चीज को देखते हैं तो बड़ी अच्छे से याद होती है. So monohybrid cross के ऊपर आधारित है law of dominance and law of segregation. Dihybrid cross पर आधारित है law of independent assortment. चलिए देखते हैं. Mendel's postulate of dominance. मेंडल ने तो उसे एक तरह से पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस की तरह कहा था. इट वॉज रेज्ड टू द स्टेटस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस बाय कॉरन्स. मेंडल ने खुद नहीं कह दिया था उसे कि ये कोई लॉ ऑफ डोमिनेंस है, कॉरन्स ने, सन 1901 की बात है, राइट. क्या कहता है जी लॉ ऑफ डोमिनेंस? करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स. दीज आर नाउ कॉल्ड एलील्स, उस समय फैक्टर्स. एलील्स दे अकर इन पेयर्स. That is law of dominance. Only one allele expresses itself in the hybrid and prevents the expression of the other allele. जब आप capital T small t वाली बात करते हैं तो capital is dominant over the small t. इसका मतलब क्या हुआ? The capital T जो है allele वो अपने आप को express कर रहा है. The allele which expresses itself in the hybrid is called dominant allele. And the other allele which is unable to express in the presence of that dominant is what is called recessive allele. सिंपल सी बात है, सेंटेंसेस की फॉर्म में लिख दी गई. कैपिटल टी स्मॉल टी वाली सिचुएशन जब आएगी तो कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है. सिंपल. नाउ हम इधर देख लेते हैं जी. मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोइंग द लॉ ऑफ डोमिनेंस. पेरेंट्स में फीनोटाइप होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ.
जिनका की जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमीट्स बनाइए टी टी कैपिटल स्मॉल टी। अब आ जाइए एफ वन जेनरेशन में, द फर्स्ट जेनरेशन, जीनोटाइप लिखेंगे ये हेट्रोजाइगस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। फिनोटिपिकली ये भी हाइब्रिड टॉल है, ये भी हाइब्रिड टॉल है। अब हम इनके गैमिट्स आगे देखते हैं, नेक्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। इनका आगे एफ टू जेनरेशन, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। एफ टू जेनरेशन में कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। यही क्रॉस पहले करके भी दिखाया था, ये होमोजाइगस टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है। देखो जब टी टी दोनों डोमिनेंट है तो वो टॉल है ही है, लेकिन जब कैपिटल टी और स्मॉल टी आता है तब भी वो फिनोटिपिकली टॉल लगेगा, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर पूरी तरह से डोमिनेंट है। ओके जब दोनों स्मॉल टी है तो वो होमोजाइगस ड्वार्फ है। फिनोटिपिक रेशो 3:1, जीनोटिपिक रेशो 1:2:1। क्लियर है, एकदम सिंपल क्रॉस, राइट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। नाउ एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, मैंने पहले ही बोला था कि हर जगह पे मेंडल के प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होंगे। हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, क्योंकि अभी तक तो आप कह रहे थे कि सीधा कैपिटल टी शुड बी डोमिनेंट ओवर दी अदर एलील। ऐसा जरूरी नहीं होता, कई केसेस में जैसे मेरा बेलिस जलापा एंटर हाइनम है, जस्ट स्नैप ड्रैगन जो होता है उसमें ऐसी चीज हमें नहीं मिलती। ह्यूमंस के केस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस की कई एग्जांपल्स हैं विच वी विल डिस्कस। राइट नाउ नेक्स्ट कम्स द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस लॉ हैज बीन कॉल्ड मेंडल्स फर्स्ट लॉ बाय कॉरन्स। मेंडल के द्वारा दिया गया पहला लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, द फर्स्ट लॉ। लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील्स भी कह देते हैं, द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कह देते हैं इसे। राइट क्या कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? टू एलील्स ऑफ ए जीन कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर स्टे टूगेदर इन द इंडिविजुअल। टू एलील्स ऑफ ए जीन कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर दे स्टे टूगेदर इन एन इंडिविजुअल, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। During gamete or the spore formation by meiosis, the alleles of a pair segregate, yani separate from each other so that a gamete or spore carries only one allele. वही बात है जी, दोनों एलील साथ हैं, gametic formation जब होगा, gamete formation, तो दोनों अलग हो जाते हैं, ये कहा गया है, capital T and small t अलग हो जाते हैं। राइट मोनो हाइब्रिड क्रॉस शोइंग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेम वही बात है, एक अलग तरीके से आपको दिखाई गई है जी। प्योर टॉल प्लांट प्योर ड्वार्फ प्लांट, यहां पे गैमिट्स बने कैपिटल टी स्मॉल टी, मेल गैमिट स्मॉल टी ले लिया, क्रॉस करने पे ये रहा हाइब्रिड, सेल्फिंग करने पे आपको ये नतीजा मिल रहा है। तो सिंपली वही दिखाया गया है कि जो गैमिट्स हैं जब वो बन रहे हैं तो उनमें जो दोनों एलील्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। राइट नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाउ इट हैज बीन कॉल्ड मेंडल्स सेकेंड लॉ बाय कॉरन्स। जो सबसे पहला वाला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल का तो सिर्फ वो एक पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस था, मेंडल के द्वारा दिए गए दो लॉ मान लीजिए, तो बाद में कॉरन्स ने उन्हें तीन कर दिया। क्या कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? डायहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। द एलील्स ऑफ टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स, जैसे राउंड येलो wrinkled green, the alleles of two pairs of traits separate independently of each other during gamete or spore formation. These get randomly rearranged in the offspring at the time of fertilization, producing parental and new combinations. मतलब पहले तो जब gametes बनेंगे, जैसे इसमें gamete बनेगा capital R capital Y, this will be small r small y. राइट ये कॉम्बिनेशंस हैं। अब आगे जाकर के यहां पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जब इसका गैमिट्स बनाएंगे आप, यहां पे गैमिट्स क्या क्या अलग अलग तरह के, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही बात कही गई है। दीज गेट रैंडमली रीअरेंज्ड इन द ऑफस्प्रिंग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन producing both parental and new combinations. जब आप इनको क्रॉस कराएंगे तो नए combinations भी मिलेंगे। देख लीजिए वो कैसे मिलेंगे, यहीं पे मैंने कहा था कि original parent लिया round yellow, cross किया wrinkled green के साथ, ये बने gametes, इनको cross करा, ये रहा hybrid.
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब जब आप इनको क्रॉस कराएंगे, यही गैमेट्स मैंने बना के दिखाए थे ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम इधर बना लीजिए फीमेल गैमेट्स, इधर हमने मेल गैमेट्स लिख लिए थे। जब आप इस तरह से इनको क्रॉस करके देखेंगे, सो अल्टीमेटली आपके पास नए कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन तो होंगे ही होंगे, लेकिन राउंड ग्रीन भी मिल जाएंगे, एक नया कॉम्बिनेशन भी मिलेगा। यही था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट जी। सो आज की इस रिविजन क्लास में हमने मुख्य रूप से क्या पढ़ा? जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। वेरिएशन, स्मॉल डिफरेंसेस फाउंड अमंग ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज। पुराने जमाने से ही इंसान की हमेशा ये ख्वाहिश रही है ये जानने की कि किस प्रकार कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में जाते होंगे, राइट जिसको लेकर के कितनी सारी थ्योरीज जो हमने देखी हैं वो दी गई, जिसमें से मैंने कहा था थ्योरी ऑफ पैन जेनेसिस बाय डार्विन, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म बाय विस्मैन, इतना ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा प्री फॉर्मेशन थ्योरी स्वैमरडम की दी हुई है, मोपर्चियस की पार्टिकुलेट थ्योरी भी है, वहां पर सिर्फ साइंटिस्ट का नाम और थ्योरी का नाम याद रख लेना। देन हमने जिक्र किया मेंडल के बारे में, कहाँ पे उनका जन्म हुआ, शुरुआत में किस तरह से उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ था इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स में, पी प्लांट का चुनाव किया पायसम सटाइवम का, उसके वो 7 कैरेक्टर्स का हमने जिक्र किया, क्या एडवांटेजेस रही पी प्लांट को सेलेक्ट करने की, अपने जीवन काल में उन्हें इतनी प्रसिद्धि क्यों नहीं मिल पाई, और कौन कौन से लॉज जो है जो बाद में रीडिस्कवर करके उन 3 वैज्ञानिकों ने, शमाक ने, कॉर्न्स ने एंड ह्यूगो रिवरीज ने, फाइनली जो है फिर उनको उस चीज की ख्याति प्राप्त कराई, राइट। मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, उन दोनों पे आधारित लॉज हमने देखे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डाईहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो आज की इस रिवीजन क्लास में इतना ही है। आपको ये रिवीजन क्लास कैसा लगा आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई ट्राई माई बेस्ट कि आपके कमेंट्स के जवाब जरूर दूं, राइट जी। प्यारे प्यारे लाइक्स आपके आते रहने चाहिए वीडियो पे। क्लास 11th के टॉपिक्स मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को होते हैं, क्लास 12th के टॉपिक्स आपके साथ फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को कराए जाते हैं, थर्सडेज को आपके साथ स्पेशल सेशंस लेकर के आते हैं मोटिवेशन पर या नीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पर। जब आप प्लस पे हमारे साथ जुड़े, चाहे आप क्रैश कोर्स के लिए, चाहे 1 ईयर कोर्स के लिए, चाहे 2 ईयर कोर्स के लिए, जो कोड आपको यूज करना है वो भूलिएगा मत, द कोड इज सचिन लाइव एंड यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ और इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर से मिलने का मौका। ये हमारे सिस्टर चैनल्स हैं इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी JEE, क्लास 9th एंड 10th के लिए भी हमारा चैनल है दैट इज अनअकैडमी फाउंडेशन। सो टुगेदर वी कैन मेक इट, सो वी विल डेफिनेटली क्रैक इट। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। #NEETLiveDaily के साथ आप हमारे लेक्चर्स को सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, हमें भी टैग कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे हमें भी ढूंढ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे ढूंढ सकते हैं सिंपली sachin.kapoor KAPUR, नमो कॉल सर को उनके नाम से ढूंढ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अश्विनी त्यागी सर को भी और अपने ऑल टाइम फेवरेट महेंद्र सर को भी। लेक्चर के नोट्स PDF की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। जैसे ये लेक्चर अपलोड होगा YouTube पे, नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उसमें एक लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं, आपको गुड विशेस देते हैं, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और ऐसे रिवीजन सेशंस में आपके लिए और भी लेकर के आता रहूंगा। बाय बाय, नमस्कार।